लेट्स लुक एट द प्रोजेक्ट वेरियंस हमने हर एक्टिविटी के वेरियंस फाइंड कर लिए बेसिकली uh, जो प्रोजेक्ट का वेरियंस है क्योंकि प्रोजेक्ट का टाइम डिटर्मिन करते हैं क्रिटिकल पाथ ऑल द एक्टिविटीज लाइंग ऑन ए क्रिटिकल पाथ बेसिकली वो हमारे प्रोजेक्ट का टाइम डिटर्मिन करता है तो प्रोजेक्ट का वेरियंस भी जो है वो उन सारी एक्टिविटीज के वेरिएंस को हम सम करेंगे तो वो प्रोजेक्ट का वेरिएंस बनेगा ये वो एक्टिविटी जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर लाए करती हैं तो उस बेसिस के ऊपर हम प्रोजेक्ट का वेरिएंस डिटरमिन कर सकते हैं एक चीज का आपको ख्याल होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन को आपस में हम सम नहीं कर सकते ऐड नहीं कर सकते हम वेरियंसिस को कर कर हम फाइनल वेरिएंस निकाल कर उसका स्क्वेयर रूट लें तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोजेक्ट का बन सकता है लेकिन स्टैंडर्ड uh, डिविएशंस को हर एक्टिविटी के स्टैंडर्ड डिविएशन को आपस में सम करें ये अलाउड नहीं है तो हमने प्रोजेक्ट वेरिएंस फाइंड करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल पाथ पर लाए कर रही हैं उनके वेरियंसेस को सम करना है जैसे इस केस के अंदर इधर आपको नज़र आ रहा है सिगमा पी स्क्वेर इज बेसिकली द वेरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट और उसकी जो वैल्यू है दैट इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज वेरियंसिस विच आर लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ सो द क्रिटिकल पाथ वी हैड वॉज ए सी ई जी एच तो इनके वेरियंसिस को हमने सम करना है तो बेसिकली जो हमने सम किया है तो पॉइंट वन वन वॉज ए का वेरियंस अगेन पॉइंट वन वन सी का वेरिएंस था एंड सो ऑन तो उस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो टोटल वेरिएंस आ रहा है इज प्रोजेक्ट uh, का वेरिएंस और इसको अगर हम स्क्वेर uh, रूट इसका ले लें तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट uh, का स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा जैसे मैंने कहा था कि टोटल जब हम कर लेंगे uh, सम करके वेरिएंस हम ले लेंगे तो उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है जिससे ये आ, इसका जो प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का यही तरीका है तो जब 3.11 का स्क्वायर रूट लिया तो इट इज़ वन वीक्स सो दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि पर्ट के अंदर हम एजम्पशन्स बनाते हैं और उसके अंदर हमने रखी हुई हैं आ, दो एजम्पन्स जो हैं वो बेसिकली ये है कि जो प्रोजेक्ट कम्प्लीशन टाइम है आ, वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक तो ये हमें जहन में होना चाहिए हमारे दूसरा ये है कि एक्टिविटीज़ एक दूसरे से स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही ठीक है ना कि इसका टाइम अगर थ्री वीक्स बन रहा है तो इसका भी इंक्रीज होकर थ्री वीक्स हो जाएगा नहीं ये ए, ए, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो वो स्टेटिस्टिकली दे आर इंडिपेंडेंट तो उनको हमने ट्रीट भी एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज के तौर पर करना है